कभी हो जाते हैं, अंधेरे की वजह से भी लेट हो जा रहा है ना। वाह, यही रह गया था ना कान्हा। 7:30 बज गए हैं। बहुत जल्दी आ गए तू तो। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज, आज हम दोनों के दोनों साइकिल लेके आ रखे हैं। देखो, ये खुशी की है, वो कान्हा की है। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने नहीं, मैंने ही बोला कि चलो साइकिल ले जाते हैं, और मैं धीरे धीरे ऐसे राउंड मार के आ जाएंगे, है ना। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। देखो, गुप्त अंधेरा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी दिशाएँ खुल रही है उधर से। तो गाइज, थोड़ा सा रेस्ट लिया है चलाते चलाते ना, ये जो पीछे की हड्डी होती है इसमें दर्द हो गया। तो चलिए गाइस, यहाँ पे उजाला था ना, तो मैंने कहा चलो अब गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ पहले, फिर आगे तो रोड आ जाएगी। तो अजीब सा माहौल रहता है, कभी कोई रहता है कभी कोई, यहाँ पे हरियाली है तो इसलिए आपके साथ मैंने कहा गुड मॉर्निंग बोल दूँ। तो चलिए चलते हैं फिर। ये लो, खाए तुमने? कोई नहीं, ले लो मैं लाइट। सो गाइस, थोड़ा सा इधर फिर रिलैक्स कर रहे हैं, रुके हुए हैं, देखो चल रहे हैं हम लोग, और मेरी आंटी है एक्सरसाइज कर रही। तो चलिए, वहाँ पे हमने साइकिल खड़ी की है वो उधर एंड में, बस थोड़ा सा 4 कदम चल के चलते हैं। टाइम भी हो गया होगा, कितना बज रहा होगा, 6:07 है। तो चलो गाइस चलते हैं, क्योंकि कान्हा का आज एग्ज़ाम है और खुशी ने स्कूल जाना है ना। तो चलिए चलो, आज बहुत कम लोग आए ना। गाइस आ गए हैं घर पे, कान्हा जी को उठाते हैं। जय हो कान्हा, चल बाय, ऑल द बेस्ट, बाय, आराम से जा। पर डे 20 रुपए चार्ज। हाँ, चल देखते हैं, चल तू जा, बाय, अच्छे से आराम आराम से जा। हाँ, 2 hours later। सो गाइस, टाइम हो गया 10:30 और मेरा सारा काम हो गया खत्म। और गाइस, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है 2-3 दिन से, क्योंकि साइकिल चला रही हूँ ना, तो साइकिल चलाने की वजह से ना बहुत दर्द हो रहा है पैंडल मार के। और आज ये भी गए थे साइकिल लेके, तो हम दोनों ने आज साइकिलिंग करी, क्योंकि ये एक चलाता है एक देखता है तो थोड़ा अजीब सा रहता है ना, अजीब सा लगता है, क्योंकि फिर मैं आगे चले जाती हूँ, वो वहीं पर पीटी करते रहते, एक्सरसाइज करते रहते। तो आज वो लेके गए थे, आज फिर वही 5:30 बज गए थे, थोड़ा सा लेट, कभी हो जाते हैं अंधेरे की वजह से भी लेट हो जा रहा है ना, समझ नहीं आ रहा जाए नहीं जाए, क्योंकि पूरे रास्ते में अंधेरा अंधेरा होता है, तो इसलिए लेट ही निकलते हैं। आज 5:30 बजे निकले, और मैंने सोचा आज हम दोनों साइकिल पे हैं तो ऐसे राउंड लेके आएंगे, बट इन्होंने बोला नहीं अभी 2-4 दिन और सीख ले, क्योंकि ऐसे राउंड लेके आएंगे तो हाईवे लगता है बीच में, तो वहाँ चलती बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह। तो उन्होंने बोला रुक जा अभी थोड़ा, 2-4 दिन और सी, जब आ जाएगा, क्योंकि अभी मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो जा रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा ठीक से, मतलब फोकस कर रही हूँ तो बैलेंस रह रहा है, जैसे सामने से कोई अंकल आंटी आ रहे हैं या कोई कुछ गाड़ी आ जा रही है, तो मतलब मेरे को ना डर सा लग जा रहा है, कोई गड्ढा ही आ जा रहा है, थोड़ा डर सा लग रहा है। तो इस हिसाब से थोड़ा उन्होंने बोला रुक जा 2-4 दिन और, उसके बाद फिर रोड से आएंगे, बट उनके मूड का कुछ पता नहीं है, कल ही बोल दे चल रोड से चलते, कुछ पता नहीं, तो देखो क्या होता है। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बहुत थकान हो गई, खत्म। आइए आइए आ जाइए, कैसा रहा दिन? अच्छा। कौन कौन है? अरे खोलो मम्मी। किससे मिलना है? खुशी से? मेरे घर है। मेरे ही घर है? ओ बेटे, ओ माय गॉड, वाओ, सही डायलॉग मारा। गाइस, छत पे आए हुए हैं, बहुत गर्मी हो रही है आज, हवा भी नहीं चल रही है, और उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, वो उधर दिख रहे होंगे आपको, और खुशी इस पे खेल रही है, ये तोड़ देगी इनको। और मैंने अभी अभी छत साफ करी है, झाड़ू लगाया, इतना गंदा हो रहा था। वाह, यही रह गया था ना, टूट गई वो चिमटी। जा गए हैं, लाइट जला दो बच्चों, जय माता दी। 6:30 बज गए, इसकी भी लाइट ऑन, चलो।
गाइस कान्हा ने आज फिर लेट कर दिया। देखो ये क्या करता है लड़के, मेरे समझ नहीं आती। बाहर देखूं तो रोज लेट, आज तो ज्यादा ही हो गया। कहाँ गए, देख भी नहीं रहा दूर दूर तक। खुशी बोल रही है मैं जाती हूँ थोड़ी देर आगे तक, चल के दिख जाएगा तो आ जाऊंगी। ये भी नहीं आए अभी तक, आज ये भी बोल रहे थे लेट आऊंगा। साइकिल चमक रही है, वो कौन सा समझता गाइस आ गया कान्हा है। अभी अभी रुक, अब उसको डांटना भी क्या डांटे यार, वो मास्टर छोड़ेंगे जल्दी तभी तो। वो खुद नहीं आ सकता, रुक जाइए बात करते हूँ। ये इतना लेट, अच्छा अच्छा नहीं है। एक तो छोटा है ना, मेरे को ज़्यादा उस चीज़ की चिंता है। 14-15 साल का लड़का हो तो चल कोई बात नहीं। और एक गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं यहाँ अंधाधुन हवा में उड़ती हैं, यही बने हुए हैं हनुमान सारे। कान्हा 7:30 बज गए हैं, बहुत जल्दी आ गए तो। अरे यार क्या, अरे यार बेटा क्या है ये, क्या करता है? कौन से सर थे, ईशान सर थे, फिर के सर, सारे सर। ईशान सर को फोन किया तो बोल रहे मैं आया नहीं अकेडमी, फिर कौन से सर थे नाम बता मेरे को। क्या किया तुमने, क्या किया पहले बता, क्या खेल, इतने रात को अंधेरे में कैसे खेलते हो? मैच खेल रहे थे अंधेरे में, खेल रहे थे। लाइट्स लग रही है वहाँ बड़ी वाली जो लैंप रहते हैं बड़े वाले। पापा का फोन आया, मैंने कहा कान्हा नहीं है घर पे, अभी तक आया नहीं। मैंने बोला क्यों इतना लेट क्यों, मैंने कहा फोन करो, फिर ईशान सर को फोन किया। आपको पता है मैं आ जाता, अरे यार 7:30 बजने वाले हैं, ऊपर देख जरा, मैं झूठ बोल रही हूँ, 7:15 हो गए। ये मेरे को चिंता नहीं होगी क्या, ये खुशी आधे रास्ते तक जाके आई है फिर वापिस आ गई। मैंने कहा उसकी लाइट तो चमक जाती है उसकी साइकिल की, पता चल जाता कान्हा आ रहा है। यार थोड़ा सा टाइम का वो किया अगर प्लीज। पापा भी उधर से भाग भाग के आ रहे होंगे, बोल रहे होंगे कान्हा नहीं आया अभी तक, चिंता हो जाती है ना बेटा। ठीक है सर से बोल देगा, सर थोड़ा जल्दी कर दिया करो, जल्दी बुला लो हमको। अरे हमारे ये सर की गलती नहीं है, सर की गलती नहीं बोल रही, सर को बोलना सर जल्दी बुला लो। अब तो और भी जल्दी रात होगी, ठंडियों का दिन आ रहे, 5 बजे रात हो जाती है। 3 बजे जाएंगे ना। अच्छा जल्दी बुलाया फिर, ठीक है तो ठीक है, जल्दी बुलाएंगे तो ठीक है, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे, है ना भाई। अब क्योंकि अभी आजकल तो 7 बजे हो रही है, 7 क्यों 6:30 बजे हो रही है आजकल रात। अब कुछ दिनों बाद 1 घंटे पहले और हो जाएगी, 5 बजे रात हो जाती है, फिर तो और भी एकदम डार्क रहता है ठंडी के दिनों। तो चलना, हाँ नंगड़ू चलिए।